माय चैनल। अगर आप भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं आई लव कोची के सामने, या फिर आप इस जगह को देखना चाहते हैं, या फिर यहाँ आकर आप जानना चाहते हैं कि ये जगह कहाँ पर है, तो आज के इस वीडियो में मैं इस सुंदर सी जगह के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो और कैसे अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सब कुछ बताता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये आई लव कोची जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जगह कहाँ पर है आप लोग सोच रहे होंगे, और ये मैरीन ड्राइव जैसे दिख रही है बट ये मैरीन ड्राइव नहीं है। इसे कुछ लोग मैरीन ड्राइव कहते हैं लेकिन मैरीन ड्राइव मेनका के पास है जो कि अर्नाकुलम में ही है, और ये उससे थोड़ा आगे है। और इस जगह आप कैसे पहुँचोगे उसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ शाम के समय भीड़ 4 गुना से लगभग 8 गुना तक बढ़ जाती है। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट हो चुका है और पब्लिक यहाँ पे चिल करने आ रही है, एंजॉय कर रही है। कोई वॉकिंग कर रहा है तो कोई फोटोग्राफी कर रहा है। तो इस जगह में मैं आगे जाके दिखाता हूँ कि इस पूरी मैरीन ड्राइव आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैरीन ड्राइव नहीं है, इसका ओरिजिनल नेम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस पूरी जगह में ना मैरीन ड्राइव जैसे ही है ऐसे ही एक वॉकवे बनाया गया है और बिल्कुल सी व्यू के साथ, और यहाँ पे और बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल दिख जाएंगे यहाँ पर, पानी पूरी के साथ साथ सब कुछ अवेलेबल है, फास्ट फूड और फास्ट फूड अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कपल्स, लड़के लड़कियाँ, चिल्ड्रेन सब कोई वॉक कर रहे हैं यहाँ पर, और सब आई लव कोची के सामने फ़ोटोग्राफी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो भी आता है आई लव कोची के सामने फ़ोटोग्राफी करने के लिए ही आता है। तो आप देख सकते हैं ये सी व्यू कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं समुद्र के साथ यहाँ पे रेलिंग्स लगाई गई जिससे बच्चे वगैरह कुछ समुद्र में न गिर जाए। तो ये एक वेरी क्लोज है यहाँ पे बहुत क्लोज के साथ आप क्लोजली देख सकते हो आप सी को, और अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो अगर आपको देखना है तो, और खुशी के साथ फोटोग्राफी करके आप यहाँ पर घूम के जा सकते हैं और इनके जैसे हंस के भी आप जा सकते हैं। तो चलिए और आगे चल के आपको दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आपको दिखेंगे, और ये पूरा कपल्स एरिया ही समझो। यहाँ पे शाम को कपल्स जितने होते हैं भीड़ लगी रहती है। अभी मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा और आगे चल के मैं इसकी और ज़बरदस्त भीड़ को दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहां पे हैं, कुछ लोग तो आइसक्रीम ही खा रहे हैं आप देख सकते हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूं सी व्यू। आपको यहां पर शाम के समय ना बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि केवल फ़ोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। आप वो देख सकते होंगे समुद्र में एक दो तीन कुछ है, उसे क्या बोलते हैं, वो चाइनीज फिशिंग स्टाइल है उसे बोलते हैं एक्चुअली, और मैं क्लोजली आप बैक करके देख लेना, वो चाइनीज फिशिंग स्टाइल है यहाँ पे जो कि अभी भी यूज की जाती है केरला में स्पेशली कोची में अभी भी यूज की जाती है चाइनीज फिशिंग स्टाइल। तो और आगे चल के लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सामने दिख रहा है ना, ये चाइनीज फिशिंग स्टाइल है, इससे ये लोग फिशिंग करते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और ये एक जगह रह के बहुत अच्छी फिश और बहुत ही अधिक मात्रा में फिश कलेक्ट कर लेते हैं इस स्टाइल के द्वारा। आप सोच रहे हो कि ये जगह कहाँ है, तो अब मैं बताता हूँ, इस जगह को क्वींस वॉकवे बोलते हैं। अगर आप मैरीन ड्राइव सर्च करोगे तो मेनका की मैरीन ड्राइव पहुँच जाओगे, लेकिन इस जगह आने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है क्वींस वॉकवे या फिर आई लव कोची, ये सर्च कर दो गूगल में, और गूगल मैप का जो डायरेक्शन होता है वहाँ से आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हो। एक्चुअली इसका नाम है क्वींस वॉकवे, और अगर आप आई लव कोची के नाम से भी सर्च करोगे तो इसी जगह पर पहुँचोगे। तो आप गूगल की सहायता से, गूगल मैप की सहायता से यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो इस जगह का नाम है क्वींस वॉकवे या फिर आई लव कोची, क्योंकि आई लव कोची तो बहुत जगह लिखा हुआ है अर्नाकुलम या पूरे कोची में, लेकिन आई लव कोची अगर गूगल में सर्च करोगे तो गूगल आपको केवल यही
एरिया दिखाएगा और कोई एरिया नहीं दिखाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, सो दैट मैं आपको एक्चुअल लोकेशन और कुछ भी जानकारी इससे रिलेटेड या फिर कोची या केरला से रिलेटेड बता सकूं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।